सो गाइस ओपेनहाइमर आ चुकी है एंड टू बी ऑनेस्ट मूवी अच्छी है, बट एट द सेम टाइम ये सबके लिए नहीं है। इस वीडियो में मैं आगे इसके बारे में बात करूंगा। सो मूवी की बात करें तो ये थोड़ी सी नॉर्मल क्रिस्टोफर नोलन फिल्म से हटके है। मीन्स नॉर्मल हम क्रिस्टोफर नोलन को देखते हैं इंसेप्शन के लिए जानते हैं, मीन्स माइंड दिमाग चकरा गया था इंसेप्शन में, को 3-4 बार देखने पड़े थे, फिर यूट्यूब में 1 घंटे का उसका वो एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना पड़ा था। इंटरस्टेलर हो गई, डार्क नाइट्स हो गई, नोलन की मूवीज ना हमेशा से एक डिफरेंट इम्पैक्ट क्लियर कर रही है, ये मूवी करती है। लेकिन ये मूवी नॉर्मल नोलन फिल्म जैसी नहीं है, आपको एक लार्जर देन लाइफ सिनेमा नहीं देखने को मिलेगा, आपको एक इन द बॉक्स प्रॉपर सिनेमा देखने को मिलेगा। ये मूवी मीन्स ओपेनहाइमर इज नॉट, इट इज अ हिस्टोरिक मूवी, जिनको अब ये बात मैं क्लियर कर देता हूँ। मीन्स ये मूवी एक 3 घंटे की हिस्ट्री क्लास जैसा है, जिसको अच्छे से आती है मतलब जिसको इंटरेस्ट है उसको मजा आएगा, जिसको इंटरेस्ट नहीं है उनको नहीं आएगा। मूवी की बात कर लेते तो एक ओपेनहाइमर की एक बायोपिक टाइप की हो गई है। मीन्स ये उसमें आपको ऐसा नहीं दिखाएंगे कि एटॉमिक बम हो रहा है, एटॉमिक बम फोड़ेंगे वो ओपेनहाइमर को समस्या आएगी, वो लास्ट मोमेंट में ऐसे 1, 2, 3 में प्रॉब्लम, ये नहीं होगा ये मूवी में। टू बी ऑनेस्ट ये नहीं है, एटॉमिक बम तो इंटरवल के बाद ही फोड़ देते हैं, इंटरवल थोड़े से बाद, इंटरवल वैसे फॉरेन में नहीं होता, हमारे यहाँ पे एकदम ब्लैक स्क्रीन आ जाती है, बहुत गंदा एक्सपीरियंस होता है, सो हो जाता है। तो इंटरवल के बाद ही वो एटॉमिक बम फोड़ देते हैं, जो कि मीन्स आपको लगेगा कि इसके आगे क्या है, लेकिन मूवी इज नॉट अबाउट एटॉमिक बम, उसको बनाने के पहले बाद में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो जो बनाया होगा। मीन्स आप ही सोचो, जस्ट इमेजिन जिस इंसान ने एटॉमिक बम बनाया होगा वो कैसा होगा, एविल होगा, खतरनाक होगा। बट रॉबर्ट ओपेनहाइमर ऐसा है ही नहीं, सो हमें रॉबर्ट ओपेनहाइमर को जानने को मिलेगा। एंड लाइक एटॉमिक बॉम्ब तो उसका एक पार्ट है, एक ये एक कोर्ट रूम मूवी है, मीन्स आपको बहुत सारे सीन ऐसे इन्वेस्टिगेशन वाले मिलेंगे एंड ऐसे मिलेंगे जिसको आपको दिमाग लगा के लास्ट में कनेक्ट होगी। ये सिनेमा कैसे बनता है, इसको हम बोलते हैं कि पीसेस सिनेमा लेगा, पीस पीस थोड़ा थोड़ा लेके लास्ट में प्रॉपर सिनेमा बनता है जिसको हमें देखना होता है। एंड इस मूवी में एक डीमेरिट है, लेकिन डीमेरिट भी नहीं बोलूंगा, ये उनके लिए नहीं है जिनको हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है, जिनको बेसिक भी नहीं पता, साइंटिस्ट नहीं पता, लाइक हाइजेनबर्ग नहीं पता, नील्स बोर नहीं पता, आइंस्टाइन तो पता होगा, एंड लाइक थोड़े बहुत हिस्ट्री के कुछ इवेंट्स है उनको नहीं, वो नहीं पता, देन यू कांट बी लाइक इंजॉय दिस मूवी टू मच। एंड लाइक बहुत लोग मेरे सामने आए थे जो मूवी स्टार्ट हुई थी, मतलब नोलन फैन बॉय बन के आए थे एंड बाद में लाइक वो सो रहे थे मूवी में। सो ऐसा भी होता है। हम थोड़ा बात कर रहे थे मूवी के डिटेल्स के बारे में, सो हमें भगवत गीता का रेफरेंस मिलता है, मीन्स भगवत गीता ओपेनहाइमर एक्चुअली भगवत गीता से बहुत ज्यादा इंस्पायर थे, तो हमें भगवत गीता का भी रेफरेंस मिलता है, लाइक नाउ आई बिकम द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड। मीन्स ये तब बोलता है जब अर्जुन शस्त्र त्याग देता है, फिर जब भगवान अपना रुद्र रूप दिखाते हैं बहुत सारे हाथ वाला, वो उसका रेफरेंस था। एंड देन आ जाती है मीन्स आपको ट्रिनिटी प्रोजेक्ट एंड लाइक हो जाता है अपना गुरु वाले वर्ड्स बहुत सारे मूवी में डाले गए हैं। एंड लाइक हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा डीमेरिट, जो मुझे इतना मतलब मूवी में अननेसेसरी लगा, लाइक हमें बहुत सारे पॉलिटिकल एंगल दिखाए गए हैं जो कि ना दिखाते तब भी चल जाता, मीन्स नोलन का आइडियोलॉजी का सीन होगा तो दिखाया होगा, बट ओवरऑल मूवी इज गुड। अगर आपको सेम ऐसी मूवी देखनी है, मीन्स ये मेरे को ओपेनहाइमर इस टू बी ऑनेस्ट अच्छी लगी है, बट एज अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर मुझे हिंदी में ऐसा रॉकेटरी, जिन लोगों ने देखी होगी ना हिंदी तमिल वगैरह सब में है, आप रॉकेटरी देखो, वो मुझे ज्यादा कनेक्ट बनाती है बिकॉज वो इंडियन साइंटिस्ट में था, एंड ये वाली मूवी एक अलग छाप छोड़ के जाती है। ये थोड़ा सा स्पॉइलर है आगे अभी के 20 सेकेंड, तो आप स्किप कर सकते 20 सेकेंड। सो ये वाला ये स्पॉइलर मैं बता रहा हूँ, मीन्स हमें मूवी में एक बहुत ही इम्पैक्टफुल लाइन के साथ हमें मूवी खत्म होनी थी, ये मैं बताना नहीं चाहता था, बट ये मूवी ने मेरे में बहुत इम्पैक्ट बनाया ये वाली लाइन, इसलिए लाइक वो पूरी मूवी में हमें कर रहे थे लाइक वो चेन रिएक्शन के, मतलब 100% में से नियरली 0% एक चांस था कि एटमोस्फेयरिक फायर हो जाता, चेन रिएक्शन से फिर एटमोस्फेयर फायर हो जाता, एटमोस्फेयर में आग लग जाती एंड पूरा अर्थ जल जाता। तो इसको लेके ओपेनहाइमर वो अल्बर्ट आइंस्टाइन को भी दिखाते हैं वो पेपर, सो ऐसा चलता रहता है। एंड वो फिर लास्ट में एक आइंस्टाइन का बात वाला सीन जो हमें स्टार्टिंग में दिखाया था ब्लैक एंड वाइट में, है ना, वो स्टार्टिंग में हमें लगता है वो गुस्सा, फिर बाद में जब बोलता है
कि ये एक सिनेमा मास्टरपीस है, जब वो बोलता है ओपेनहाइमर कि ये चांसेस आर नियरली जीरो, नहीं आग लग चुकी है एटमोसफेयर, मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के बाद अब दुनिया का खत्म होना चालू हो चुकी है. मीन्स टू बी ऑनेस्ट, हमें ये पता चल रहा है कि हम कितने छोटे हैं, सरकार के सामने भी हम कितने छोटे हैं. मीन्स अगर दो ताकतवरों की लड़ाई होगी तो बहुत सारे निर्दोषों की भी जान जाएगी. मीन्स दिस पार्ट हर्ट यार गाइस, मतलब अब मुझे बताओ जापान में अब अच्छे लोग भी थे बुरे लोग भी थे, तो अच्छे लोगों की क्या गलती थी. देन बॉम्ब गिरा एंड लाइक पूरा जापान हिल गया, एंड लाइक अभी हम सबके पास लिटरली जितने बड़े बड़े सो कॉल्ड देश है उन सबके पास न्यूक्लियर वेपन्स है. एक दिन लड़ाई होगी, हो सकता है कि खत्म हो जाए अर्थ शायद, एंड ओपेनहाइमर की भविष्यवाणी भी सच हो जाए, जो कि मुझे लगता है हो जाएगी. बट कहते हैं ना लाइक कि अगर आपको शांति बनना, शांति प्रिय इंसान बनना है, तो आपके पास ताकत भी होनी चाहिए. इट इज ब्रह्मास्त्र ऑफ मॉडर्न डे. मूवी अच्छी लगी मुझे, आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. देखने का मन है तो मैं अभी भी बता रहा हूँ, अगर आपको इंटरेस्ट है तभी जाना, वरना एज नोलन फैन बॉय बन के मत जाना. बाय बाय दोस्तों, कल मिलते हैं अगली वीडियो के साथ.